हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधिस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की निमकी या फिर करेला। ये नॉर्थ इंडियन की बहुत ही फेमस डिश है। पहले हम पालक को इसकी डंडी हटाकर इसकी प्योरी बना लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए अजवाइन और चाट मसाला और 1 कप मैदा। पालक को हमने मिक्सी के जार में डाल लिया है। इसमें हम बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी प्योरी बनकर रेडी है। अब हम एक बर्तन में 1 कप अपनी मैदा डालेंगे। इसमें बीच में थोड़ा सा होल्ड करके थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, चाट मसाला, अजवाइन और आधी चम्मच के करीब साल्ट, और इसमें हम पालक की प्यूरी थोड़ी थोड़ी डाल के उसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। आप देखिए इस तरह से हम इसका आटा लगा लेंगे। अगर आपको पानी की जरूरत पड़े तभी डालिएगा, अदरवाइज पालक की प्यूरी से ही आटा लगा लीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारा डो बन के रेडी है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढककर रख देंगे। आप देख सकते हैं हमारे आटे को 15 से 20 मिनट हो गए। अब हम इसके पेड़े तोड़ लेंगे। तरह से अपने लोई बना लेंगे। हम इसे बेलेंगे। हमें इसे बहुत पतला बेलना है। ये हमारी देखिए एक पूड़ी बेल के तैयार है। हम इसे इस तरह से काटेंगे कि इसके साइड्स जुड़े रहें। इस तरह से आप देखिए आप इसे हम हल्के हाथ से ऐसे करके फोल्ड करेंगे। क्या आपका बहुत आराम से फोल्ड हो जाएगा। और जो हमारा साइडों का है हम इसे ऐसे करके दबा देंगे जिससे हमारा खुला नहीं, और ये लास्ट का हम इस तरह से चिपका देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे करेले बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे करेले बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके अपना ही करेला डालेंगे। हम इसे मीडियम गैस पर फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे करेले बनकर रेडी हैं। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके ऊपर दही सौंठ डालकर भी चाट की तरह खा सकते हैं। आप इसके ऊपर थोड़ा सा दही डालें। चाट मसाला थोड़ी सी हरी धनिया चटनी। ये हमारी चाट बनकर रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।